हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी की रेसिपी। इसके लिए आपको चाहिए उबले आलू, आलू के छोटे पीसेस कर लिए हैं। सामग्री आपको चाहिए 2 प्याज चॉप किए हुए, 2 टमाटर चॉप किए हुए, 3 तेज़पत्ता, जीरा आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 पिंच हींग, दालचीनी, आधे चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार। गैस को हम ऑन कर लेते हैं, फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। हमारी कढ़ाई गरम हो गई है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे 2 चम्मच। तेल गरम हो गया, इसमें डालेंगे जीरा, हींग, अब इसमें डालेंगे 3 तेज़पत्ता, दालचीनी, प्याज, प्याज को हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। देखिए सुनहरा होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, इसे मिक्स करेंगे। हम धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे इसे, मिर्च। हमारा मसाला अब भुन गया है, यह ऑयल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, इसको हम पूड़ी और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको ढक देंगे 1 मिनट तक के लिए। अब इसको खोल के चेक करते हैं, इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, अब इसे मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको फिर से ढक देंगे। 1 मिनट बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और ये टेस्ट भी सब्जी का बढ़ा देती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारी सब्जी तैयार हो गई है, गैस को ऑफ कर देंगे, इसको बोल में निकाल लेंगे और सब्जी को धनिया से गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक।